रीवा जिला के डभौरा नगर परिषद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ आवेदक अखिलेश कुमार तिवारी ने राज्य बांस मिशन के लिए DFO रीवा के यहाँ आवेदन किया था। अपनी आराजी जमीन 28/2 रकवा 15140 है। पटवारी हल्का गेदुरहा ग्राम डभौरा में 600 बांस पौधारोपण करना चाहता था। आवेदक का आरोप है कि उसकी निजी जमीन में पटवारी आरआई के द्वारा स्थायी दबंग निवासियों के द्वारा कुछ जमीन में अवैध रूप से कब्जा कराया गया है, जिसके मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया। पटवारी के द्वारा शिकायत बंद कर दी गई और कहा गया कि जमीन को कब्जे से मुक्त करवाएंगे, लेकिन पटवारी विनोद सिंह हल्का गेदुरहा और आरआई के द्वारा जिस जगह में बांस रोपण होना है वो जगह बताने को तैयार नहीं है। SDM से बात करने के बाद भी इस समस्या का कोई हल नहीं हो पाया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि निजी जमीन में अगर किसी तरह का कोई कब्जा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रीवा जिला के डभौरा नगर परिषद में उल्टा ही मामला देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश को मानने के लिए SDM, तहसीलदार, RI और पटवारी तैयार ही नहीं है। आवेदक के द्वारा जिला कलेक्टर से इस मामले में संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार तिवारी। कहाँ से हैं? डभौरा से। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि मुख्यमंत्री बांस योजना के अंतर्गत हमारी जमीन में बांस लगने का पास स्वीकृत मिली थी। अच्छा। और स्वीकृत मिलने के बाद CCF रीवा को निर्देशित किया गया जी। तो CCF जो है विभागीय अधिकारियों के यहाँ पर बोले और SDM को CCM को निर्देशित करना था। SDM को निर्देशित करने के बाद भी जो SDM महोदय हैं तो पटवारी साहब और उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि मौके में जाके बता दें जहाँ बांस लगना है। श्रीमान जी, अच्छा, तो इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? इसकी सूचना तो कहीं नहीं दिए हैं, माने प्रेस के माध्यम से फरियाद कर रहे हैं कि अगर हो जाए हमारा काम, क्योंकि हमारी ज़मीन भी जो है, जो हमारी हिस्से की ज़मीन थी करीब 4 एकड़ 74 डिसमिल, उसमें अनैतिक रूप से पटवारी विनोद जो है सिंह द्वारा कब्जा करा लिया गया है, जिसकी शिकायत हमने कई बार की। वह ज़मीन नहीं खाली कराए, उसके बाद जो मेरी ओवर ज़मीन पड़ी मैं बोला वहाँ बता दो तो वहाँ लगवा देता हूँ बांस, तो उसकी भी ज़मीन बताने के लिए तैयार नहीं, जिससे हम बहुत ही परेशान हैं। और शासन प्रशासन चाहते हैं कि ऐसे पटवारियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें जो कि मुख्यमंत्री का आदेश को दरकिनार करके और उसका मजाक उड़ा रहे। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।